वेलकम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफाई विद नादिया। खूबसूरत लोगों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए एक और जबरदस्ती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, आज मैं बताती हूँ कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रूट्स के मुताबिक। अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन को फ्रेश करने के लिए बहुत काम आते हैं। तो क्यों ना आज हम इन्हीं फ्रूट्स में से थोड़ा थोड़ा फ्रूट लेके इनका फेशियल किया जाए। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्रूट्स फेशियल। फ्रूट्स के अंदर जितने विटामिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए जितने जरूरी हैं उतने ही आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब आप इनको खाते हो तो आपको अंदर से न्यूट्रिशन मिलती है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और जब हम इनका मिक्सचर अपनी ऊपर वाली स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको मजीद फ्रेशनेस मिलती है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि इन फ्रूट्स का किस तरीके से हम इस्तेमाल करके फ्रूट फेशियल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, फ्रूट का फेशियल करने के लिए हमें सबसे पहले ये पेस्ट बनाना होगा। इन फ्रूट से मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि ये पेस्ट मैंने किस तरीके से बनाया। तो हमारे पास ये हैं कुछ अंगूर, आप सीजनल फ्रूट्स कोई सा भी ले सकते हैं। ये अंगूर हैं, ये केले हैं, और ये हमारे पास टमाटर है, और पुदीने की पत्तियां थी वो मैंने इसमें पेस्ट के अंदर ऐड कर ली हुई हैं। और इन चीजों का हमने पेस्ट बना लिया हुआ है बहुत जबरदस्त सा। ये हमारे पास पेस्ट की फॉर्म आ चुकी है। आपने इन चीजों को हाफ आपने केला लेना है, कुछ आपने अंगूर लेने हैं, हाफ टमाटर ले लेना है, और पुदीने की कुछ पत्तियां ले लेनी है। इनको आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। अच्छा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले क्लिंजर फेशियल के लिए, सबसे पहले क्लिंजर करना होता है, स्किन को क्लिंजिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम क्लिंजर बनाते हैं। हमने एक चम्मच, आपके पास बड़ा चम्मच है तो एक, अगर छोटे चम्मच है तो आप दो ले लीजिएगा, इसके अंदर पेस्ट का डालना है। और ये हमारे पास है ड्राई मिल्क, ड्राई मिल्क का हाफ चम्मच आपने ऐड करना है। ये हमारे पास बहुत अच्छा सा एक क्लिंजर रेडी हो जाएगा। इसको आपने मिक्सअप कर देना है, ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक क्लिंजर बन जाएगा। जब हम स्किन पे इसे अप्लाई करेंगे तो स्किन इस कदर फ्रेश हो जाती है, आप यकीन माने आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये फेशियल पहले हमने क्यों नहीं अपनी स्किन पे अप्लाई किया। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस मेथड से आपने करना है। ये सबसे पहले इसको आपने मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लिंजिंग। जनाब, ये हमारी मॉडल की स्किन जो है वो काफी टैन हुई हुई है, गर्मी के असरात काफी ज्यादा हैं, कलर डल हुआ हुआ है। तो आज हम फ्रूट से न्यूट्रिशन देते हैं स्किन को, स्किन को थोड़ा सा गीला कर लिया। उसके बाद ये हमारा जो फ्रूट क्लिंजर हमने रेडी किया था ये स्किन पे अप्लाई कर दिया। ये जबरदस्त किस्म का फ्रूट आप खाएं भी और साथ में अपने फेस पे भी लगाएं, यकीन माने आप खूबसूरत से खूबसूरत तर होते जाएंगे। ये 1 मिनट के लिए आपने इस क्लिंजर को लगा के छोड़ देना है, उसके बाद आपने मसाज करना है हल्के हाथ, नेक पे भी अप्लाई कर दें। चलिए 2 मिनट के बाद फिर इसका मसाज करें। फ्रूट क्लिंजर को हमने फेस पे 2 मिनट के लिए अप्लाई किया और 2 मिनट के बाद आपने इसको मसाज करना। इतनी सॉफ्ट जबरदस्त स्किन हो जाएगी, नीट क्लीन हो जाएगी। ये मसाज अच्छे तरीके से आपने कर लिया। अब आपके पास ये ब्लीच है, आप जो अपनी खुद अपनी चॉइस इस्तेमाल कर वो इसलिए कि अगर स्किन पे बाल वगैरह कलर फ्रेश तो हमारा बाल के बाद आप देख सकते हैं। अब हम
हमारे पास यही जो हमने रेडी किया है फ्रूट का पेस्ट लेना है, एक चम्मच उसका लेना है और इसके अंदर बादाम का पाउडर। बादाम बादाम आप घर में खुद पीस लीजिए, थोड़े से मोटे मोटे। इसके अंदर आपने ये आधा चम्मच ऐड कर देना है और ये हमारे पास है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर को थोड़ा सा ऐड कर देना है। बहुत अच्छा एक स्क्रब हमारे पास इसको हम कर लेंगे 2 मिनट 1 मिनट के ताकि स्क्रब जो हमने रेडी किया था ये हमने 2 मिनट के लिए फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद हम हल्के हाथों से मसाज कर रहे हैं। आप भी यही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, तरीके से इन्हीं स्टेप से आप फेशियल अपने घर में रेडी कीजिएगा। आप अपने घर पे चाहें तो आप अपना क्लिंजर या जो आप बाजार से इस्तेमाल करती हैं आप वो लेके इसी पेस्ट को उसके अंदर ऐड करके वो भी फेशियल में ऐड करके आप कर सकती हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, आप यकीन मानें कि जब आप इस फेशियल को ट्राई करेंगी तो आप मुझे दुआएं जरूर दें। स्क्रब के बाद हमने बनाना है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम हमने वही फ्रूट्स वाला जो पेस्ट है वो ऐड करना है और इसमें हमने मलाई ऐड करनी है, दूध की जो फ्रेश वाली मलाई होती है वो ऐड करके आपने इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। उसी तरीके से ये हमारे पास एक फ्रूट मसाज क्रीम रेडी हो चुकी है। साथ में आप फ्रूट्स भी खाते जाएं और साथ में फ्रूट वाला फेशियल भी करते जाएं, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये मसाज क्रीम हमारे पास रेडी हो गई है। मसाज क्रीम को उसी तरीके से हमने मसाज करना है, 2 मिनट के लिए फेस पे लगा देना है और फिर मसाज करना है। इससे आपकी स्किन के जो पोर्स वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से मसाज हो जाएंगे, स्किन रिलैक्स हो जाएगी। ये हल्के हाथों से आप ये हमने स्किन को मसाज कर लिया हुआ है, आप देखें कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। आप भी इसी तरीके से जरूर कीजिएगा। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है एक अच्छा सा स्किन पैक जो विटामिन से भरा हुआ है, फ्रूट विटामिन से भरा हुआ लास्ट में हमारा। तो चलिए ये बनाते हैं कि किस तरीके से हमने वो पैक बनाया। ये वही पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था उसका 1 चम्मच लिया और ये हमारे पास है चावलों का आटा। चावलों का आटा आप सबको पता है कि स्किन के लिए बहुत बेनिफिट्स रखता है और ये हमारे पास है बेसन। इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया और अब ये हमारे पास बन चुका है हमारा फेस पैक, फेस मास्क एक बन गया। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के रेस्ट करना है और फ्रूट खाना है। स्किन हो चुकी है लचक वाली। आप जब अपने घर पे करेंगी तो आप खुद करेंगी कि आपकी स्किन बहुत जबरदस्त है। आप ये देखेंगे इस फ्रूट फेशियल के अंदर आपको कोई केमिकल नहीं मिल रहा, आपको मिल रही है जो कि आपके लिए बहुत फायदा। आप ये सारा अपने फेस पर और अपनी नेक पे अप्लाई कर लें, 10 मिनट के लिए इस पैक को लगा लें। तो 10 मिनट के बाद वॉश करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि कैसी स्किन फ्रेश हो। प्यारी प्यारी बहनों, ये था आज का हमारा फ्रूट फेशियल विटामिन से भरपूर। आप अपने घर में अपने फ्रूट्स को भी इंजॉय कीजिएगा, फ्रूट्स भी खाइएगा और साथ में अपने फेस पे भी लगाइएगा, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी और आप मुझे याद करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा मेरे चैनल।